लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर सबसे बड़ा झटका कहीं लगा तो वो है उत्तर प्रदेश। यूपी में बीजेपी को 2019 के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। यूपी में बीजेपी के वोट शेयर में काफी गिरावट आई, लिहाजा अब यूपी को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है और हार पर मंथन शुरू कर दिया है। यूपी में हुई बीजेपी की हार को लेकर समीक्षा और विमर्श का दौर शुरू हो गया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंच गए हैं। भूपेंद्र चौधरी हार के कारणों पर केंद्रीय नेतृत्व को अपना फीडबैक शेयर करेंगे। वहीं यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी में भीतरघात की बातें भी उठने लगी हैं। पूरी साजिश हुई है, समाजवादी पार्टी के अधिकारियों ने पोस्टिंग करा ली थी अपनी, हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था। आपको बता दें कि 2019 में यूपी में बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, जबकि इस बार सिर्फ 33 सीटें ही हासिल हो पाई, जबकि वोट शेयर करीब 50% था। वहीं इस बार बीजेपी का वोट शेयर लुढ़क कर 41.37% पर आ गया। 2019 के मुकाबले इस बार 8.50% की गिरावट आई।